बिग बॉस सीजन 13 से एक और एविक्शन हो चुका है और ये एविक्शन है अरहान खान का, जिनकी एंट्री घर में दो ही हफ्ते पहले हुई थी। रश्मि देसाई घर से बाहर आई देवलीना भट्टाचार्य के साथ और अरहान खान बाकी सभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के साथ पहुंच गए घर के अंदर। चार ही दिनों में आ गई एक बार फिर से रश्मि देसाई घर के अंदर और यहाँ पर अरहान खान की अलग अलग तरह की गेम घर के अंदर देखने को मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को ये बात रास आई नहीं कि अरहान खान रश्मि देसाई घर के अंदर एक साथ है और इसी वजह से अरहान खान को घर से बेघर होने के लिए अब बाहर दिखाया गया। तो वहीं ये देखा गया कि उन्हें बहुत ही ज्यादा कम वोट मिले थे। हैरानी भरी बात है कि माहिरा शर्मा से भी कम वोट मिले थे, लेकिन अब आ चुके हैं जब अरहान खान घर के बाहर तो अपनी भड़ास निकालते हुए वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनसे कई तरह के सवाल उनके इंटरव्यू में किए गए, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अपनी नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। यहां सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उन्होंने कहा है कि घर के अंदर आप जो लड़ाई हमारी देख रहे थे वो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से थी, क्योंकि घर के अंदर जब मैंने एंट्री ली थी तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि चाहे जो भी कर रहे हो सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के साथ, वो उनके साथ दुश्मनी तो नहीं करेंगे, वो तो बल्कि दोस्ती करवाएंगे रश्मि और सिद्धार्थ की। वहीं जब घर के अंदर एंट्री हो गई, रश्मि मौजूद नहीं थी, तो अरहान खान ने दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाया था सिद्धार्थ के लिए, लेकिन सिद्धार्थ ठहरे बहुत ही ज्यादा अकड़ू। रश्मि के दोस्त है अरहान खान, यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिद्धार्थ यहां पर दुश्मनी करते हुए अरहान खान के साथ नजर आए, ये अरहान खान का कहना है। अरहान ने कहा कि हर बात पे सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें टोंट ही दिया करते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर इन दोनों की लड़ाई भी हुआ करती थी तो पहला अगर कोई स्टेप उठाता था ये लड़ाई का तो वो सिद्धार्थ शुक्ला ही थे। घर के अंदर उन्होंने कई टास्क बहुत अच्छे से खेले, वो बहुत ही ज्यादा समझदार है और समझदारी के साथ ही गेम में आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के आगे नहीं टिक पाए अरहान खान। अरहान खान का ये कहना है, मैं गेम में आगे बढ़ना चाहता था, इसे और भी ज्यादा खेलना चाहता था, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हूँ कि घर के अंदर मुझे और वक्त नहीं मिल पाया। घर से मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि घर के अंदर बाकी जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मेरी दोस्ती जरूर रहेगी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ये दोस्ती अब कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से अरहान खान के साथ रवैया दिखाते हुए घर के अंदर दिखाई दिए हैं, वो कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं, सिर्फ एक ईगो ही है सिद्धार्थ शुक्ला की, जो हमेशा ही अरहान खान के सामने दिखाई दी है। वेल, अरहान खान के घर के बाहर आने के बाद अरहान जहां सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बहुत कुछ कहते हुए सामने आए हैं, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने भी घर के अंदर अरहान खान के एविक्शन के बाद उनके बारे में बहुत सारी चीजें कही थी। और यहां पर तो पारस छाबड़ा, जो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे अरहान खान के, वो ये कहते हुए सामने आए थे कि अरहान बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है और बहुत ही स्लो तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिग बॉस के लिए इस तरह का रवैया, इस तरह की सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती, जिस वजह से रश्मि देसाई अरहान खान के घर से बाहर होने के बाद से ही पहले ही खूब रो रही थी। वो इन तरह की बातों को सुनकर और भी ज्यादा निराश हो गई। वेल, अरहान घर से बाहर आ चुके हैं, रश्मि देसाई देवोलीना भट्टाचार्य अकेले गेम खेलते हुए नजर आने वाले हैं और पारस के साथ माहिरा के साथ भी इनकी दुश्मनी अब हो चुकी है। देखना होगा कि कितनी ये गेम में अब आगे बढ़ती है और आपको क्या लगता है रश्मि देसाई कितना आगे टिक पाएंगे बिग बॉस सीजन 13 में, कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।